यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने गए ऋषभ लोहिया की मां ने ऋषभ व उसके दोस्तों को वापस इंडिया लाने के लिए सरकार से की है मार्मिक अपील। ऋषभ और उसके दोस्त खाने की कमी और डर के साए में यूक्रेन में जीने को है मजबूर। डर के साए में पोलैंड के बॉर्डर पर जा रहे ऋषभ और उनके दोस्त ने सरकार से वापस इंडिया लाने की मांग की। मेरा बेटा यूक्रेन में लवीव में है, उसका नाम ऋषभ लोहिया है। वो MBBS के लिए गया था, डॉक्टरी करने के लिए गया था, लेकिन अभी वो वहाँ पे फंस गया बुरी तरह। उसको खाने पीने की दिक्कत, उसको रहने की दिक्कत, वो लोग भटक रहे हैं इधर से उधर, समझ नहीं आ रहा बच्चों को वो क्या करें। हाँ, मेरे बच्चे से बात हुई है तो बोला कि मम्मा यहाँ की हालत बहुत ख़राब है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें पोलैंड के लिए गए थे, हम लोग अपनी गाड़ी करके गए थे, अपने रिश्ते में गए थे, लेकिन वहाँ से भी फिर एंट्री नहीं मिली उन लोगों को, पता नहीं क्या हुआ। फिर वो लोग वहाँ से वापस आए कॉलेज में वापस आए तो फिर अचानक से बोलता है कि सारे बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे भी अटैक होने वाला है, तो हमें यहाँ से भी निकलने के लिए बोला गया है। मेरे हस्बैंड लद्दाख में है, वो भी वहाँ पे अभी आ नहीं पा रहे हैं वहाँ से, और रस्ते में है वो भी बहुत परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। तो बस मेरी रिक्वेस्ट यही है हमारी गवर्नमेंट से कि कैसे भी करके हमारे बच्चे को वहाँ से निकाल दीजिए।